अलंकार संबंधित प्रश्नावली। महाकवि कालिदास किस अलंकार की प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, जहाँ बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, जहाँ उपमे में अनेक उपमानों की संख्या होती वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह। काव्य अलंकार के रचयिता दंडी, संतो भाई आई, ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार नियुक्त है? शब्द की दोबारा द्वार्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं? मानवीकरण, रुद्रट वक्रोक्त को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार नहीं। वामन, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, सुजान, जहाँ बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? रूपक, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों या वृत्त किंतु उनके अर्थ भिन्न हुआ निम्नलिखित में कौन सा अलंकार होता है? यमक, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बड़ा आचार का वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्ति, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया जाए तो तब कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति, किस अलंकार में व्याख्यार्थ गौण व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? नियुक्ति, कविता में जब बिना कारण के कार्य संपन्न होने का चमत्कार घटित होता है तब कौन सा अलंकार होता है? विभावना, जब किसी समान कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से समान कथन का समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थनांतरण, अद्भुत एक अनुपम भाग। प्रश्न 20वां प्रश्न, अद्भुत एक अनुपम भाग, जुगल कमल पर गर्जत गजवर कीरत, अद्भुत एक अनुपम भाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीडत है तापर सिंह करत अनुराग में अलंकार छेखा। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणायाम कहकर करुणा कर्ण रस को रसराज घोषित किया है? मेघमाग ने। उत्तर, रामचरित का प्रधान रस क्या है? करुड़। भारावि द्वारा रचित किराता अर्जुन में प्रधान रस वीर रस, करुड़ के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक मेघदूतम। वेड़ी श्रृंगार नाटक का अंगीकार रस श्रृंगार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। काव्य का नौमा रस कौन सा? शांत। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? किस राज को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना? श्रृंगार रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। विस्मय, स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस। बिहारी रस किस रस के कवि हैं? श्रृंगार। सोत्पत्ति में आश्रित चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव। माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस का। जो वस्तु व्यक्ति तथा या प्रस्तुति स्थायी भाव को जागृत करती है उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव, विपन्न विभाव। वीर रस का स्थायी भाव होता है। रसाचार्यों के अनुसार संचारी भावों की मान संख्या कितनी होती है? रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की सही संख्या कितनी होती है? अर्थनांतरण, या समान का विशेष से या विशेष का समान से समर्थन करना। समान अधिक व्यापी जो बहुतों पर लागू हो, विशेष अल्पव्यापी जो थोड़ों पर लागू हो। जय रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापक नहीं लपते रहते कुसंग। समान का विशेष से समर्थन प्रथम चरण, समान बात दूसरी चरण विशेष बात।